नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा धीरेन्द्र वर्मा, इनका जीवन परिचय बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। धीरेन्द्र वर्मा, इनका जन्म हुआ था 17 मई 1897, बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1973 को हुई थी, प्रयाग, ये भी उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम था खानचंद, ये कवि, लेखक, समीक्षक और प्रधान अध्यापक थे। इनकी जो बहुत बढ़िया रचनाएं हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं आपको, ब्रज भाषा व्याकरण, सुर सागर सार, मध्य देश, हिंदी साहित्य कोश, यूरोप के पत्र आदि। इनकी पढ़ाई जो है म्यूरो सेंटर कॉलेज इलाहाबाद, पेरिस विश्वविद्यालय, इन्होंने जो है एमए और डीएल की उपाधि प्राप्त की है शिक्षा में। धीरेन्द्र वर्मा ने सागर विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान विभाध्यक्ष के रूप में काम किया और फिर जबलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति बने। अब मैं आपको संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय बताऊंगा। दोस्तों, धीरेन्द्र वर्मा का जन्म 17 मई 1897 उत्तर प्रदेश, मृत्यु 23 अप्रैल 1973 प्रयाग। हिंदी और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, जो कार्य हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया वही कार्य हिंदी शोध के क्षेत्र में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया। धीरेन्द्र वर्मा जहां एक तरफ हिंदी विभाग के उत्कृष्ट व्यवस्थापक रहे वहीं दूसरी ओर एक आदर्श प्रधान अध्यापक थे। भारतीय भाषाओं से संबंध समस्त शोध कार्य के आधार पर उन्होंने 1933 ईस्वी में हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। फ्रेंच भाषा में उनका ब्रज भाषा पर शोध प्रबंध है जिसका अब हिंदी में अनुवाद हो चुका है। अब थोड़ा सा विस्तार से मैं धीरेन्द्र वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। धीरेन्द्र वर्मा का जन्म 17 मई 1897 को बरेली उत्तर प्रदेश के मूड़ मोहल्ले में हुआ था। इनके पिता का नाम खानचंद था। खानचंद एक जमींदार पिता के पुत्र होते हुए भी भारतीय संस्कृति से प्रेम रखते थे, वे आर्य समाज के प्रभाव में आए थे। धीरेन्द्र वर्मा पर बचपन से ही पिता के इन गुणों का और इस वातावरण का प्रभाव पड़ चुका था। प्रारंभ में धीरेन्द्र वर्मा का नाम सन 1908 में डीएवी कॉलेज देहरादून में लिखाया गया था, किंतु कुछ ही दिनों बाद वे अपने पिता के पास चले आए और इनका नाम क्विस कॉलेज लखनऊ में लिखा दिया गया। इसी स्कूल से सन 1914 ईस्वी में प्रथम श्रेणी में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षा पास की और हिंदी के विशेष योग्यता प्राप्त की। उसके बाद नेहरू सेंटर कॉलेज इलाहाबाद में इन्होंने प्रवेश किया। सन 1921 ईस्वी में इसी कॉलेज से इन्होंने संस्कृत में एमए किया। इन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय से डीलेट की उपाधि प्राप्त की कुलपति। डॉक्टर वर्मा 1924 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रथम अध्यापक नियुक्त हुए और बाद में वहीं प्रोफेसर और हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान विभाध्यक्ष के रूप में काम किया और फिर जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर